पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने सुबह अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार इकोनॉमी, सीमा सुरक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर फेल रही है। उन्होंने पूछा कि इन विफलताओं की जिम्मेदारी किसकी है। स्वामी पार्टी के अंदर वरिष्ठतम तो है ही, साथ ही अपनी बेबाक छवि के लिए भी जाने जाते हैं। राम मंदिर निर्माण में अदालती कार्रवाई के लिए भी इनका योगदान अहम रहा है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। इसके बाद से ही राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म है। मुलाकात के बाद स्वामी ने ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की। स्वामी ने ट्वीट में लिखा, मैं जितने भी राजनेताओं से मिला या उनके साथ काम किया, उनमें से ममता बनर्जी, मोरारजी देसाई, जेपी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव के जैसे हैं। इन लोगों की कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है। भारतीय राजनीति में यह एक दुर्लभ गुण है। वहीं भाजपा नेता से जब यह पूछा गया कि क्या टीएमसी में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले ही उनके साथ हूं। पार्टी में शामिल होने की मुझे जरूरत नहीं है। स्वामी जी, आप ज्वाइन कर रहे हैं क्या टीएमसी? ज्वाइन कर रहे हैं सर, ऑफिशियली ज्वाइन कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा पर पहले ही हमले बोलते आए हैं, लेकिन ममता से मिलने के बाद वे खुलकर सामने आ गए। एनडीए सरकार की दूसरी पारी में भी कोई बड़ी भूमिका नहीं मिलने से नाखुश स्वामी कुछ समय से सरकार के फैसलों की भी खुली आलोचना करने से हिचक नहीं रहे हैं। पिछले साल भी जब बंगाल में भाजपा और टीएमसी के बीच सियासी संग्राम अपने चरम पर था, तब स्वामी ने ममता बनर्जी को सच्चा हिंदू और दुर्गा भक्त भी करार दिया था। पार्टी के भीतर स्वामी को मान सम्मान नहीं मिलने के बीच बयानबाजी का दौर फिर शुरू हो गया है। लेकिन पार्टी अगर इस पर गंभीर नहीं हुई तो ये नुकसान ऐसा होगा जिसकी भरपाई बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगी। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे। लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।